अरे दीदी बेटा को दे दीजिए, पूरा बेटा कलेजा चूर चूर के मार दिया। देखे इतना लंबा चौड़ा हमारा बेटा को मार दिया। अच्छा आपको इंसाफ चाहिए ना दीदी। वो है बरही चौक, अभी जाम है, क्या कारण है? सर देखिए, कल दोपहर में हमारे मोहल्ले के कुछ पीछे में कुछ लोगों का कहना था कि एक लड़के ने उसके घर में चोरी की कोशिश की। एक शक था और वो लोग इसके पास आए, मेरे बगल में रहता है, मेरा गोतिया है, ठीक है, और उसका नाम अशफाक खान है। वो पहले एक बार जेल जा चुका था, वो फिर अपना सजा काट के आया था और अपने घर पे सही से था। अब उसे शक के बिना पे पुलिस गिरफ्तार करती है, 4 बजे के वक्त में उसे ले गई और जिस घर में उसे शक का कोशिश किया था चोरी का, वो लोग उसे घसीटते हुए लाए और बेरहमी से मारा, पहले फिर प्रशासन के हवाले किया, फिर प्रशासन उसे अपने थाने ले गई और बिना उसके पेरेंट्स को खबर किए, उनके माता पिता को कंफर्म नहीं किया, कुछ नहीं बोला कि आपके बेटे को हम पकड़ रहे हैं, और उन्हें थाना ले गया। रात भर रखा, क्या किया कोई नहीं जानता। सुबह 11 बजे मैं ट्यूशन जाता हूँ, आता जब वहाँ से आया मैंने देखा कि यहाँ के कंपाउंडर लोग बाहर आके कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी की लाश आई हुई है, आप आके कंफर्म करें कौन है। जब हम वहाँ पे गए तो पुलिस प्रशासन वहाँ से निकल रही थी और वो मृत हो चुका था। तो मेरा कहना है प्रशासन उसे इतनी बेरहमी से मारा कि उसका जान निकल गया और उसे लाके यहाँ पे अनुमंडल अस्पताल में जब भर्ती किया तो वो मृत घोषित हो चुका था, फिर प्रशासन वहाँ से चली गई। ये उनके पिता है। प्रशासन हमारा लड़का को मार के फेंक दिया। प्रशासन से हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए, जो मारा है, जो हमारा बेटा मारा है, वो भी वैसा ही फांसी की सजा उसे चाहिए। इनके कि हम लोग के बीच में हमारा लड़का नहीं रहा। अब घटना घट गई है तो हम लोग निश्चित तौर पे विधायक होने के नाते आया आप लोग के बीच में, लड़के का जो हम इंक्वेस्ट देखा, उसके नाक से ब्लड गिर रहा है, छाती पर घाव देखा, पीठ में घाव देखा, तो हमने एसपी साहब से हमने बात की। सबसे पहले हल्ला मत करो दीदी, आओ इधर आओ, बेटा कलेजा चूर चूर के मार दिया। देखे इतना लंबा चौड़ा हमारा बेटा को मार दिया। आपको इंसाफ चाहिए ना दीदी। मार दिया सब सुदीन में ले जाके मार दिया, अरे बच्चा को मार दिया। मेरे बेटे को बदले हुए उसको मार देंगे, उसको मार देंगे। माता जी को, इनके पिताजी के, इनके परिजन को मैंने मुख्यमंत्री के पास ले जाऊंगा आज, जितना हो सकेगा। इस परिवार को, एक लड़का उसका था, वो डेथ कर गया, तो हम कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम तो इसके परिवार के एक नौकरी दो। एक चीज है इंक्वेस्ट जो हम लोग करेंगे उसके परिवार के सामने, परिवार में हम देखेंगे कि कहां कहां चोट आया, फिर इंक्वेस्ट करने के लिए हम लोग यहां से पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेजेंगे। हजारीबाग में हमने डीसी मैडम को कहा है कि आप मेडिकल बोर्ड का बनाने का काम करें, मेरे 3 डॉक्टर वहां होंगे, उसके बाद में हम लोग फोटोग्राफी करने का काम करेंगे, एक मजिस्ट्रेट वहाँ रहेगा जो पोस्टमार्टम कराने का काम करेगा, ये सारे काम करेंगे और जितना मदद हो सकेगा हमको सहयोग करिए, मैं करूँगा। अभी तो तुरंत हम कहीं इसको कार्रवाई कर दे, तो अभी तो हम कार्रवाई कर रहे हैं प्रशासन पर, जिन लोगों ने मारा है मोहल्ले में उस पर कार्रवाई कराऊंगा। हम आग्रह करेंगे कि इस परिवार को यदि जो मदद करना चाहते हैं आप लोग तो हमको सहयोग करने का काम करें। जो विधायक जी बोले उसमें बस एक चीज जोड़ना है, अभी तक जो हुआ गलत हुआ, आप लोग हम लोग से इंसाफ मांग रहे हैं, पर इंसाफ में आपका सहयोग लगेगा। जो वो बोल रहे हैं, जितने भी एसपी सर का आपको दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस है, बाहर के लोग को भेजे हैं ताकि निष्पक्ष रहे सब कुछ, जैसा वो बोले पोस्टमार्टम बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स के सामने होगा, मैजिस्ट्रेट होगा, ताकि निष्पक्षता बने रहे। इनफैक्ट वीडियोग्राफ भी होता है और नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पास जाता है ना, तो आपको हम लोग की निष्पक्षता पे थोड़ा भरोसा करना है। जो भी पदाधिकारी इसमें होंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि हम लोग उनके खिलाफ कड़क से कड़क एक्शन लेंगे,
ये बहुत कम होता है, ये बहुत रेयर होता है, तो अब ये हुआ है तो हम लोग भी ऐसा सजा देना चाहेंगे ना, जिससे लगे कि आगे से ये नहीं होना चाहिए। तो एक बार हम पे भरोसा कीजिए, पर उसके लिए आपको थोड़ा सहयोग हमारा करना पड़ेगा। ये करेंगे तो इससे किसी का फायदा नहीं होगा, जिनकी मृत्यु हुई है। विश्वास कर ले सर, लेकिन पुलिस है ना सर, ऐसा किया अभी विश्वास करे, कल देखे फिर ले जाके भाई। तो बस पुलिस नहीं है, विधायक जी है, विधायक जी है, आपके गार्जियन है ना भैया। आप लोग शांति से पहले सुन लीजिए, पहले शांति से सुनिए। विश्वास किया, पुलिस मार दिया, किस पर विश्वास करें? अरे भैया लिखित दे रहे तब क्या मतलब, उसको क्या की जा सकता, क्या बचेगा? आप लिखित लीजिएगा, लिखित दे रहा, बाकी ऐसे विधायक जी हमारे आखिर है ना गार्जियन जी, वो बाकी करेंगे। और सब ठंडा में रखो यार, वहाँ अंदर Thank you.